इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोड्स के क्रस्टेशियंस की बॉडी फॉर्म उसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसमें है क्रे फिश अब क्रे फिश जो है इसको हम एज एन एग्जाम्पल यूज़ करेंगे कि ये क्रस्टेशियंस के जनरल स्ट्रक्चर्स और फंक्शन को डिस्कस करें अब इसमें नॉर्मली स्टडी हमें ये शो करती है कि क्रस्टेशियंस के ये क्रे फिश जो हैं दे आर अबंडेंट एंड लार्ज साइज एनिमल्स और इनकी बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू रिजन एक सफेलोथोरिक्स दिस इज डाइव्ड फ्राम डेवलपमेंटल फ्यूजन ऑफ सेंसरी एंड फीडिंग टैगमा हेड रिजन पे ये जो है स्ट्रक्चर मौजूद होंगे और उसके साथ फिर एक लोकोमोटर टैगमा मौजूद है जिसको हम थॉरिक्स कहेंगे अब एक्सोस्केलेटन जो सफेलोथॉरिक्स का है दैट नॉर्मली एक्सटेंड्स लेटरली एंड वेंट्रली टू फॉर्म अ शीट लाइक कैरापेज कैरापेज इज द शेल दैट इज़ कवरिंग द एंटायर बॉडी अब इसमें एबडोमन पोस्टीरियर साइड पे एबडोमन की पोस्टीरियर साइड पे जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे सिफेलोथॉरिक्स सिफेलोथोरिक्स के अंदर लोकोबोटर और विजरल फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और क्रेफिश जो है टेक्स द फॉर्म ऑफ ए मस्कुलर टेल फिर इसमें जो अपनेडिज़ हैं लाइक अदर क्रस्टेशियंस अपेंडिज दे आर आल पेयर्ड एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ रीजनस ऑफ द बॉडी और फर्स्ट टू जो अपेंडिजिज़ के हैं उनको हम कहेंगे सेफेलोथेरिक्स और इसमें फेलोथेरिक अपेंडेजिज जो हैं इसमें नॉर्मली एंटीनेस जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट और सेकेंड एंटीने दे आर प्रेजेंट अब थर्ड जो है से फिफ्थ पेयर ऑफ अपेंडिजिज जो हैं नॉर्मली दे आर एसोसिएटेड विद द माउथ फिर क्रस्टेशंस की एवोल्यूशन के दौरान जो थर्ड पेयर अपेंडिजिज का है दैट इज नाउ मॉडिफाइड इनटू क्यूंग एंड ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहेंगे मैंडेबल्स और फोर्थ और फिफ्थ पेयर जो अपनेडेजिज के हैं उनको हम कहेंगे मैगजीली एंड दे आर यूज फॉर द परपज ऑफ फूड हैंडलिंग अब सेकेंड मैग्जीला जो है दैट बियर्स अ गिल एंड अ थिन ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे स्केफोग एंड दिस इज यूज फॉर सर्कुलेटिंग ऑफ ब्लड ओवर द ग्स फिर इसमें सिक्स से ले कर एट तक जो सिफेलोथोरिक अपेंडिज हैं उनको हम कहते हैं मैग्जिली पीड्स ये मैग्जिली पीड्स जो हैं थोरेसिक टैगमा से डिराइव किए हुए दिस इज द्रस्टेशन बॉडी फॉर्म यू कैन सी हेयर थॉरिक्स कैरापेज और दिज आर दैगमेंट्स लास्ट सेगमेंट जो है इसके अंदर टेल्सन और यूरोपोड्स एबडोमन इज़ नॉर्मली मेड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स सिफेलोथॉरिक्स इज मेड बाय द फ्यूजन ऑफ थर्टीन सेगमेंट्स अब इसमें फर्स्ट रूस्ट्रम आई एंटीन्यूल्स अब ये थॉरिक्स रीजन के ऊपर नॉर्मली जो हैं जो सेगमेंट्स हैं नाउ दे आर सेट टू बी द लेग्स और वॉकिंग लेग्स को भी अगर हम देखें तो ये इसकी फर्स्ट लेग जो है दैट इज़ कॉल्ड कैलिपीड और इसका लास्ट सेगमेंट जो है दिस इज़ कॉल्ड कैला थॉरिक्स के ऊपर और जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं वो हैं मैंडेबल मैगजिली मैगजिली पीड्स जबकि हेड पे स्ट्रक्चर जो हैं वो हैं आई एंटीन्यूल्स और एंटीने। तो दीज आर वॉकिंग लेग्स दीज आर एबडोमन पे जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं सुमेरिट्स सुमेरिड्स जो हैं ये इसको स्विमिंग में हेल्प करती हैं और वॉकिंग लेग्स जो हैं वो इसको वॉकिंग में हेल्प करेंगी। सो दिस डायग्राम शोज़ द एक्सटर्नल एनाटमी ऑफ ए टिपिकल क्रस्टेशियन